हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस पॉवर्टी पर बनाए, फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाया और बिज़नेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और लास्ट हमारा वीडियो जो था वो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ था, उसी क्रम में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो फिस्कल पॉलिसी पर लेकर के आऊँगा, मैं उसी हिसाब से फिस्कल पॉलिसी को लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या है और फिस्कल पॉलिसी कौन लेकर के आता है और किस तरीके से ये पॉलिसी चलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम फिस्कल पॉलिसी को समझना। फिस्कल पॉलिसी में एक शब्द है पॉलिसी। देखिए, पॉलिसी जो है ये हम क्यों बनाते हैं, कुछ पर्पज़ होता है, कुछ हमारा उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं। अब वो उद्देश्य अलग अलग तरह के हो सकते हैं। किसी का उद्देश्य, जैसे हम इंडिविजुअल हैं, अगर हम क्लास किसी भी क्लास में हैं जिसका एग्ज़ाम हमको देना है, तो हमको क्या लगता है, अगर हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी उस एग्ज़ाम के लिए कुछ और होगी, हर इंडिविजुअल की पॉलिसी कुछ और होगी। उसी तरीके से सरकार को लगता है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो ये सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पॉलिसी सरकार बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यानी ये पॉलिसी, जैसे हम इंडिविजुअल्स पॉलिसी बनाते हैं, उसी तरह सरकार पॉलिसी बनाती है। बस अंतर क्या है, हम इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी बनाते हैं, सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाती है। बात समझ में आ रही है। जो पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। एमसीक्यू का एक क्वेश्चन हो गया। फिर इसके आगे हम लोग आते हैं, इस फिस्कल पॉलिसी को और हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बजटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और हम किस नाम से जानते हैं, अच्छा हम जब बजटरी पॉलिसी शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। आप लोग हर फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं कि फर्स्ट फेब को हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एक अपने पार्टी के अपने जो भी गवर्नमेंट होती है अपने तरफ से एक बजट पेश कर रहे होते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर इतना खर्च करेंगे, वहाँ पर इतना खर्च करेंगे और बाकी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से हम खर्च करेंगे। तो इसको हम कहते हैं बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में क्या हो रहा है, सरकार अपने खर्च को बता रही है कि हम यहाँ पर इतना, वहाँ पर इतना, इस तरीके से हम खर्च करेंगे। और ये जो खर्च कर रही है, इस खर्च को करने के लिए कुछ पैसा तो होना चाहिए। वो पैसा हम यहाँ पर किस रूप में देखते हैं, रिसीप्ट के रूप में देखते हैं। एक्सपेंडिचर जो हमारे ऊपर करने की बात हो रही है, उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए रिसीप्ट की ज़रूरत है, इनकम की ज़रूरत है। वो कैसे कलेक्ट होगा, वो अलग अलग तरीके से सरकारें कलेक्ट करती हैं। जैसे कुछ लोग सरकारें किस किस रूप में कलेक्ट कर सकती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट के रूप में कर सकती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट के रूप में कर सकती है। अब सर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट जिसमें हम टैक्स फॉर्म की बात करें, जिसमें डायरेक्ट टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। हम जब कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो नॉन टैक्स फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, नॉन टैक्स फॉर्म में जैसे कि हम मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हम डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हम एशीट जैसी कोई चीज़ें आ रही हैं। एसीट का मतलब क्या हो गया, एसीट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत अमीर इंसान था, बड़ी अच्छी खासी उसकी प्रॉपर्टी थी और उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो उस प्रॉपर्टी को आगे लेकर के चलने वाला उसका बेटा, उसकी बेटी, कोई भी आगे लीगल हायर नहीं है, कोई भी उसकी फैमिली का नहीं है, तो ऐसा क्या होता है, तो ये प्रॉपर्टी अब कोई लीगल हायर नहीं है तो कहाँ जाएगी, सरकार के पास रिसीप्ट के फॉर्म में आ जाती है। तो इसी को हम लोग एसीट कहते हैं। तो टैक्स फॉर्म, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसके ऊपर इम्पोज किया उसी से टैक्स ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसके ऊपर इम्पोज किया उससे नहीं लिया, बल्कि कोई तीसरा बंदा हमको टैक्स पे कर रहा है। जैसे जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर, जैसे कुरकुरे मान लीजिए खरीदने चले गए, तो कुरकुरे पर जो टैक्स है वो हमारे ऊपर नहीं लगा था, सरकार ने लगाया था जो उसको प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन उसने क्या किया, प्रोड्यूसर ने उस टैक्स को हमारे ऊपर डाल दिया। उसने क्या किया, हमारे ऊपर डाल दिया। तो असलियत में उस टैक्स को कौन पे कर रहा है, क्या वो प्रोड्यूसर कर रहा है, नहीं, हम कर रहे हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, कहते हैं कि जिसके ऊपर टैक्स इंपोज हुआ वो टैक्स ना पे करके कोई थर्ड पार्टी अगर टैक्स पे करती है तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स पे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही? ये तो मान लीजिए बजट की बात हो गई। यहां पर जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बजटरी पॉलिसी कहते हैं, और बजटरी पॉलिसी के साथ साथ एक और नाम से हम इसको जानते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक, बजट के दो कंपोनेंट्स थे, एक्सपेंडिचर और इनकम, तो उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एमसीक्यू में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि बजटरी पॉलिसी को या फिस्कल पॉलिसी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद रहे। बात समझ में आ रही है? चलिए, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब हम समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आता है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर सरकार को, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए सरकार को एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी, और वो सरकार पॉलिसी जो बनाएगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको समझ में आ गया, सेकेंड पॉइंट, टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेविंग, सेविंग के रेट को इंक्रीज करने के लिए। जैसा कि मैं एक डेटा से अगर आपसे बात करूं, 1950 के समय में जो हमारा सेविंग रेट था वो लगभग 9% था, अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास था, जो कि बढ़कर 2015-16 में ये बढ़कर 31% के लगभग पहुंच गया। यानी सरकार का क्या मोटिव होता है, सरकार चाहती है कि आपकी सेविंग रेट इंक्रीज करे। अगर आपकी सेविंग्स इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, अगर आपकी सेविंग्स इंक्रीज करती है तो आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, मनी का फ्लो मार्केट में बना रहेगा। और सरकारें क्या चाहती हैं कि ये फ्लो जो है ये बना रहे, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। चलिए थर्ड पॉइंट समझते हैं, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे। जो इन्वेस्टमेंट का डेटा है वो भी सेविंग के डेटा के ही अप्रॉक्सीमेटली आसपास का ही डेटा, 50-51 का और 15-16 का जो डेटा है वो भी 9% और लगभग 32-33% का इंटरेस्ट अब इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बढ़कर हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है? यानी कि हमने क्या किया, हमने अपने सेविंग के रेट को भी इंक्रीज किया, हमने अपने इन्वेस्टमेंट के रेट को भी इंक्रीज किया। सरकारों ने जो पॉलिसीज बनाई उसमें उनका फोकस था कि हम सेविंग रेट को भी इंक्रीज करें, इन्वेस्टमेंट रेट को भी इंक्रीज करें। इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज की बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम ज्यादा होगा। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की बात करें, जो जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है, वो कहता है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना गुना ज़्यादा इनकम इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हम समझते हैं, टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पॉवर्टी को भी हमको क्या करना है, रिमूव करना है, और हमारे जैसे बेरोजगारों को भी क्या करना है, रोजगार देना है। तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलती है कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करे और क्या करे, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करे, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करे। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग देखते हैं बजट आता है तो उस बजट में क्या होता है, सरकारें कहती हैं कि हम इस साल इतने लोगों को रोजगार देने का प्लान कर रहे हैं, इस साल इतने लोगों को हम इस क्षेत्र में नौकरी देंगे, इस साल हम इस क्षेत्र में इतने लोगों को रोजगार देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो रिच है वो रिचर होता जा रहा है और जो पुअर है वो पुअरर होता जा रहा है, इस बीच का जो एक गैप हो गया है, इस गैप को कम करने का काम भी हम किस तरीके से करते हैं, इसको कम करने का काम भी हम अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सरकारें करती हैं। बात समझ में आ रही है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी, अभी पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, कि कई सारे मजदूर एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेट क्या कर रहे थे, वो कहीं बाहर जहां माइग्रेट
कर चुके थे, वहाँ से अपने घर लौट रहे थे। ठीक है, जब वो डेटा लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया तो पता चला कि लगभग 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% जो वहाँ के लेबर्स थे वो कहाँ के थे, यूपी और बिहार के थे। तो इसका मतलब उनको शौक है माइग्रेट करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, महाराष्ट्र में ज़्यादा इंडस्ट्री है और यूपी और बिहार में कम इंडस्ट्रीज़ हैं, दिल्ली में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और बंगाल में ना के बराबर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वहाँ के मजदूरों को माइग्रेट करके कहीं और जाना पड़ता है ताकि उनको रोज़गार मिल पाए, ताकि वो कुछ कमा पाएँ, ताकि वो कुछ काम कर पाएँ। बात समझ में आ रही है? तो सरकार क्या कोशिश करती है, सरकार कोशिश करती है कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और बिहार में या यूपी में या बंगाल में नहीं हैं, तो अपने पॉलिसी के थ्रू वो क्या करे, इंडस्ट्रीज़ इन जगहों पर भी, इन रीजन्स में भी इस्टेब्लिश करे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। पॉइंट नंबर सेवन क्या कहता है, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमें क्या जरूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरत है कि सरकार कुछ पॉलिसी बनाए। जैसे अभी का समय देखिए, इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, महंगाई हम देख रहे हैं। इस महंगाई में अगर हमको किसी से कोई उम्मीद है या किसी से हम कोई सवाल पूछ सकते हैं, किसी की अगर अकाउंटेबिलिटी है, तो वो किसकी है, किसी प्राइवेट प्लेयर की तो नहीं, सरकार की है। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों पेट्रोल डीजल का रेट इतना महंगा हो गया, क्यों जो हम घर के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, क्यों उसका रेट इतना हाई है। ठीक है, उसके अपने इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिचुएशन हैं जो घर के ऑयल के रेट राइज कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार उसके लिए कोई पॉलिसी बनाने को तैयार है जिससे कि गरीब इंसान, एक ऐसा इंसान, वीकर सेक्शन वाला इंसान जो उसको परचेस कर पाने के लायक नहीं है, वो उसके लिए कुछ सब्सिडी प्रोग्राम है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम किसकी तरफ देखते हैं, हम सरकार की तरफ देखते हैं। और सरकार भी जब अपने फिस्कल पॉलिसी को फ्रेम करती है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमको समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, फिस्कल पॉलिसी के कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो पॉलिसी बन रही है उस पॉलिसी में सरकारें क्या क्या करती हैं, क्या क्या कर सकती हैं, वो किस तरीके से किसी देश में अगर महंगाई है या किसी देश में किसी भी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती है और फिस्कल पॉलिसी जो सरकार बनाती है, ये दो और मोटिव के साथ कुछ ऐसे कंडीशन जैसे आज की कंडीशन है जिसमें हम इन्फ्लेशन से भी गुजर रहे हैं, डिमांड भी हमारे यहाँ कमी है, कई सारी चीज़ों से जब हम गुजर रहे हैं तो पॉलिसी किस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए भी बनाई जाती है, इसको भी हमको समझना जरूरी है। तो दो तरह की सिचुएशन होती हैं, देखिए, एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक, और एक होता है डिफ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर हम आम भाषा में कहें तो क्या है, जब किसी कॉमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर जाती है, जब प्राइसेस राइज कर जाती हैं किसी भी कॉमोडिटी के, उसी को हम कहते हैं कि महंगी हो गई चीज़ें, इन्फ्लेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्राइस इंक्रीज कर रहा है। प्राइस इंक्रीज कब कब कर सकता है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, कॉमर्स से जितने लोग हैं आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन किस कंडीशन में आता है, जब हम देखते हैं कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर ये पेन है मेरे पास, ठीक, इस पेन को, ये पेन मेरे पास 5 पेन हैं और इसकी डिमांड 8 पेन की है, यानी इसका जो आउटपुट है, जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो 5 पेन है और डिमांड उसकी 8 पेन की है, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि अच्छा डिमांड करने वाले तो बहुत सारे हैं, एक काम करते हैं प्राइस को इंक्रीज कर दें। जैसे ही हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं डिमांड करने वालों की संख्या कम हो जाती है, डिमांड करने वालों की संख्या कम हो जाती है, इससे क्या होता है, देखिए हमको चाहिए क्या, हमको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए हम जितना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की तरफ बढ़े, और एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई अगर कम है तो हम क्या करें, प्राइस को अगर बढ़ा दें
प्राइस को अगर बढ़ा दें तो एग्रीगेट डिमांड यानी डिमांड करने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिमांड कम होगा तो क्या होगा, ये ज्यादा था ये अगर कम होने लगेगा तो ये एग्रीगेट सप्लाई के करीब जाने लगेगा। जो एग्रीगेट सप्लाई जितने पेन मार्केट में थे उतने की ही डिमांड, आठ लोग पहले डिमांड कर रहे थे, आठ पेन की डिमांड थी, जैसे ही मैंने प्राइस इंक्रीज किया अब आठ नहीं सात कर रहे हैं, छः कर रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने प्राइस को इंक्रीज किया डिमांड अब सप्लाई को मैच करने की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। बात समझ में आ रही है, यानी इन्फ्लेशन वाली जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब जब चीज़ें महंगी होंगी तो क्या होगा, हम फिर से उसको ढूंढेंगे जिसकी अकाउंटेबिलिटी है कि बताइए क्यों महंगी हो गई, क्या पॉलिसी है आपके पास, किस तरीके से इस महंगाई को दूर करेंगे, किस तरीके से जो ये रेट पेट्रोल डीजल के बढ़ गए हैं इसको किस तरीके से आप कम करेंगे। तो सरकार को एक पॉलिसी के साथ आगे आना पड़ेगा कि देखो ठीक है मैं मान रहा हूँ कि पॉलिसी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन मैं अब अपने पॉलिसी के थ्रू कोशिश कर रहा हूं कि ये प्राइसेस कम हों, ये ठीक ठाक हों। बात समझ में आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए तो सरकार क्या करेगी, सरकार फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक। डिफ्लेशन का केस कौन सा होता है, इसमें तो एग्रीगेट डिमांड, इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है, लेकिन डिफ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होता है। यानी ये वो केस है जब मेरे पास पेन आठ मौजूद हैं लेकिन इसकी डिमांड पांच की है। अब मुझे आठों पेन बेचना है, मैं कैसे बेचूं, मैं इसकी कीमत को कम कर दूं, मैं इसके प्राइस को क्या करूं, कम कर दूं। तो जब डिफ्लेशन की कंडीशन आती है तो प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर जब चीज़ें सस्ती होने लगती हैं तो हमको क्या ज़रूरी है, अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो क्या प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करने के बारे में विचार करेगा। सोचिए अगर मैं ये पेन बना रहा हूँ और ये सोच के बना रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये एक पेन पे मिलेगा, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी कम हो गई है कि अब इस पेन को मुझे 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है, 60 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो क्या मैं और पेन बनाने की सोचूंगा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो सरकार को फिर से अपने फिस्कल पॉलिसी के साथ प्रोड्यूसर के बारे में सोचना पड़ता है कि किसी तरीके से हम क्या करें, हम डिमांड को इंक्रीज करें, हम डिमांड को बढ़ाएं मार्केट में, जिससे कि क्या हो, चीज़ों की कीमतें फिर से वापस से क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जितना ज़्यादा इसके करीब आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है किसी भी इकॉनमी के लिए। बात समझ में आ रही है। अब समझते हैं कंपोनेंट्स को। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, सरकारें खर्च करती हैं। सरकार किस तरीके से खर्च करती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क कराती है, बताइए इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क कराती है, सब्सिडी देती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क रोडवे बनवाएगी, रेल बनवाएगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें वो बनवाएगी। जब ये सारी चीजें बनवाएगी तो क्या होगा, एक मनी का फ्लो होगा, वो मनी क्या करेगी, बाहर फ्लो कराएगी। इससे क्या होगा, ज्यादातर लोगों को जब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, तो रोजगार मिलेगा, ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, उनके पास पैसे आएंगे, उनके पास जब पैसे आएंगे तो क्या होगा, वो डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे तो क्या होगा, अगर डिफ्लेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी सरकार अगर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है तो हम डिफ्लेशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ज्यादा सब्सिडी देते हैं तो क्या होगा, सब्सिडी ज्यादा देंगे लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो सरकार क्या करे, अपने सब्सिडी को बढ़ा दे, यानी मिला जुला के वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा दे और सब्सिडी को भी बढ़ा दे। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में मनी का फ्लो होगा और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व होगी। तो सरकार अगर मार्केट में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है तो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। और अगर इसका उल्टा हम बात करें, मार्केट में इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों के पास पैसा हाथ में बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करे, मनी सप्लाई को कम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करे। और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, अपने इन इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क को रोक देगी। कई बार हम लोग सुनते हैं कि 2012 में 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा।
इन्फ्लेशन जब तेजी से होने लगा तो सरकार को मनी का फ्लो रोकना था, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना था, तो सरकार ने क्या किया, कहा कि ठीक है जितना ब्रिज बना है वहीं पे रोक दो, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा बनाओगे तो पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, जब ज़्यादा फ्लो करेगा तो महंगाई जिसको कंट्रोल हमको करना है वो तो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मनी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को वो कब रिड्यूस करेगी, जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, यानी अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई कम है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करेगी, और अगर मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जिससे कि लोगों के पास पैसे जाएं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे कि क्या हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, और ये जो एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई वाली कंडीशन है वो जितनी जल्दी इसके करीब आए। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे आएं तो सेकंड पॉइंट क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए मेरी इनकम 10 रुपये है, ठीक है अभी कुछ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 10 रुपये मेरी इनकम है, ठीक, सरकार ने कहा 10 रुपये इनकम है क्या, तो एक बात सुनो, तुम 2 रुपये मुझे टैक्स के रूप में दो, 2 रुपये मुझे टैक्स के रूप में दो, और 8 रुपये जो तुम्हारे पास बचे हैं जाओ मार्केट में डिमांड करो, जितना कर सकते हो करो। तो टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा हमारे हाथ में बच जाता है, इसको हम एक नया टर्म यूज करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहते हैं इसको, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक, डिस्पोजेबल इनकम। सरकार जब देखी कि मार्केट में क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, यानी उसका क्या टारगेट है अब, कि जो मैं 8 रुपये डिमांड कर रहा हूं मार्केट में, इससे भी कम डिमांड करूं, मनी के सप्लाई को कम करूं। सरकार ने कहा कि सुनो, जो पहले 2 रुपये हमको टैक्स देते थे, आज से तुम्हारा टैक्स हम बढ़ा दिए और तुम 3 रुपये टैक्स दोगे। जैसे ही मैं 3 रुपये टैक्स पे करूंगा, तुरंत अब जो मेरी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, वो 8 ना बचके 7 बचेगी, और जैसे ही मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम 8 से 7 होगी, मेरी डिमांड भी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मेरी डिमांड जैसे ही कम होगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वापस से इस बात को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर डिफ्लेशन है, मान लीजिए डिफ्लेशन की कंडीशन है तो क्या होगा, डिफ्लेशन का मतलब क्या हो गया, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, मनी का सप्लाई मार्केट में नहीं हो रहा है, मनी का सप्लाई मार्केट में कराना है, यही मेरी पॉलिसी है, यही फिस्कल पॉलिसी, यही उद्देश्य है मेरा इस पॉलिसी में। हम क्या करें, टैक्स जो पहले 2 रुपये ले रहे थे उसको घटाकर 1 रुपये कर दे, जैसे ही हम 10 रुपये पे, यहाँ वापस से लिख देता हूँ, 10 रुपये पे पहले हम 2 रुपये जब टैक्स लेते थे तो 8 रुपये डिस्पोजेबल बचता था, जैसे ही हम इसको 1 रुपये करेंगे, अब डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास 9 रुपये बचेगी, तो हम पहले से ज़्यादा डिमांड करेंगे, हम जब पहले से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, यानी कि हमको समझ में आ गया कि टैक्सेशन पॉलिसी भी किस तरीके से काम करती है, ठीक, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सरकार टैक्स में चेंजेस करती है। थर्ड पॉइंट है पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। पब्लिक डेप्ट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मान लीजिए कोविड का समय आया, इस कोरोना काल में पैसों की कमी आ गई, हमारे पास ही नहीं सरकारों के पास भी मान लीजिए आ गई, तो सरकार को ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि उसे खर्च करना है हम लोगों पर, वो क्या करे, वो कर्ज ले, जैसे हम कर्ज लेते हैं वैसे सरकारों को भी कर्ज लेना पड़ता है। सरकार कर्ज कहाँ कहाँ से ले सकती है, सरकार कर्ज देश के अंदर से ले सकती है और देश के बाहर से ले सकती है। जो कर्ज वो देश के अंदर से लेती है उसको हम इंटरनल डेप्ट कहते हैं, और जो कर्ज वो देश के बाहर से लेती है उसको हम एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कब उसे ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत है, जब जब मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, तो अगर वो ज़्यादा कर्ज लेगी, ज़्यादा मनी फ्लो करेगी, तो इन्फ्लेशन तो और विकराल रूप ले लेगा, तो इन्फ्लेशन के समय उसको क्या करना पड़ेगा,
कम कर्ज, कम लोन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार बाहर से ज़्यादा डेप्ट लेगी, अपने ही यहाँ के लोगों से ज़्यादा डेप्ट लेगी, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या हमारे जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, सेंट्रल बैंक है, उससे वो बोरोइंग करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने सिक्योरिटीज़ को रख देगी, कहेगी लो ये मेरा सिक्योरिटी रखो और हमको पैसा दो। हमको पैसे की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम अगर मनी को मार्केट में फ्लो अभी नहीं कराए तो हमारी जो ये डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है ये और दिक्कत कर सकती है आगे चल के। तो सरकार क्या करेगी डिफ्लेशन की कंडीशन में? ज़्यादा डेप्ट लेगी, और इन्फ्लेशन के कंडीशन में कम डेप्ट लेगी। बात क्लियर? ठीक, पॉइंट नंबर 3 हमको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4 इसी में इंक्लूडेड एक तरीके से है, बोरोइंग्स फ्रॉम RBI। सरकार क्या करती है, RBI के पास जाती है, RBI के पास जाके कहेगी सुनो देखो बहुत दिक्कत है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में लोगों की डिमांड कम हो गई है, ठीक है ना, उसकी डिमांड को बढ़ाना है, तो ये लो हम सरकार हैं, मेरी कुछ सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को अपने पास रखो और मनी हमको दो, पैसा हमको दो। जैसे ही सरकार पैसा देगी तुरंत क्या होगा, फ्लो ज़्यादा होगा मनी का, सप्लाई ज़्यादा होगी मनी का, और उससे क्या होगा, जो भी हमारी प्रॉब्लम है डिफ्लेशन की वो कंट्रोल होगी। ठीक है, चलिए ये चारों पॉइंट्स हमको समझ में आ गया। अब इन चारों के बारे में मैंने लिखा है, एक बार बस आप स्लाइड्स देख लीजिए क्योंकि मैंने सारी बात आपको बता दी। ठीक है, चाहे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के पहले पॉइंट की बात करें, डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, किस चीज़ का डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, पब्लिक इंटरप्राइजेस का, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, सॉरी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, उनको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी देखिए MSMEs की कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनको इंसेंटिव्स दिया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, दिक्कत में हो हम तुमको इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि असलियत में जो तेज़ी से ग्रोथ करने में मदद करने वाली कोई चीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर ही है। बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना रोडवे, रेलवे, ये सारी चीज़ें बनेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे क्या होगा, उनके पास इनकम आएगी, वो डिमांड करेंगे। बात समझ में आ रही है? लास्ट पॉइंट, सोशल वेलफेयर। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में आज हम देख रहे हैं कोविड के समय में सरकार क्या कर रही है। अब प्राइम मिनिस्टर आए कहे कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, 5 किलो ये, 5 किलो वो किसके थ्रू आ रही है, वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही आ रही है, वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही आ रही है। फिस्कल पॉलिसी में सोशल वेलफेयर के लिए आ रही है। बात समझ में आ रही है? हम सोशल वेलफेयर की उम्मीद किसी जियो के बड़े मालिक से नहीं कर सकते, फॉर्च्यून के बड़े मालिक से नहीं कर सकते, हम किससे कर सकते हैं, हम सरकार से कर सकते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है। चलिए हम समझते हैं अपने सेकंड नेक्स्ट स्लाइड को, टैक्सेशन पॉलिसी। मैंने आपसे कहा सरकार टैक्सेशन पॉलिसी को क्यों प्रमोट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि मार्केट में क्या हो, मार्केट में लोगों के पास, हाउस होल्ड्स के पास सेविंग इंक्रीज करे, सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, सेविंग ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, लोगों के पास जब पैसे होंगे तो वो डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे तो क्या होगा, इकॉनमी चलती रहेगी। ठीक, इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको डेटा से बताया कि 50-51 में क्या था, 1950-51 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो 9% था, जो कि बढ़ के 15-16 में क्या हुआ, बढ़कर 31% के अप्रॉक्स आ गया। इससे क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो लोगों की इनकम इंक्रीज की, लोगों की इनकम इंक्रीज की तो क्या हुआ, देश का नेशनल इनकम इंक्रीज किया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब समझते हैं, एक पॉइंट इसमें छूट गया, टू ब्रिंग इक्वेलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अब इक्वेलिटी भी लाने के लिए इनकम और वेल्थ में सरकार की फिस्कल पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किस तरीके से, प्रोग्रेसिव टैक्स हम लोग जानते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या हो गया, कि जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो जब ज़्यादा टैक्स आएगा तो हम खर्च किस पर करेंगे, गरीब लोगों पर करेंगे, वीकर सेक्शन पे करेंगे। तो इस जो ये गैप है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसको रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लेकर के गरीबों पर ज़्यादा खर्च करें। वो किस रूप में हो सकता है, वो कई सारे रूप में, चाहे सरकारें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दे, पब्लिक हॉस्पिटल्स पर ज़्यादा ध्यान दे, उससे क्या होगा, ये
कोरोना जैसी महामारी में, इस कोरोना जैसी प्रॉब्लम में हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, उसमें जाकर टेस्ट कराने में हम सक्षम नहीं थे, कई सारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें सक्षम नहीं थी। इसमें हम हमेशा किसकी तरफ देखते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखते हैं। इसीलिए जब भी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो सबसे बड़ा रोल अगर कोई इंस्टीट्यूशन निभाता है तो वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इक्वालिटी लाने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। मैंने आपको बताया पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, सरकार क्या करती है, बाहर से जाकर लोन लेकर के आती है। वो अपने घर के अंदर से भी लोन ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज प्लेयरों से लोन ले सकती है। तो जब वो घर के अंदर लोन लेती है, यानी देश के अंदर लोन लेती है, तो उसको हम लोग इंटरनल डेब्ट कहते हैं। जब वही वो बाहर चली जाए IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल डेब्ट कहते हैं, देश के बाहर से लिया हुआ डेब्ट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज समझना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन, हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को, अभी हमने देखा फिस्कल पॉलिसी का ये इंपॉर्टेंट रोल है कि वो प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इंसेंटिव्स दे रही है। वो क्या कर रही है? वो उनको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। मैं अगर बात करूँ हिस्ट्री की विथ फैक्ट्स, तो मैं आपको बताता हूँ 1950 से 1990 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी, जिसमें हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। हम कहते थे कि हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ ही चीज़ों को बनाएंगे। हम कोटा लगाते थे कि हम अगर बाहर से रियलमी का फ़ोन चाइना से मंगा रहे हैं तो हम 10 फ़ोन मंगाएंगे, हम 11वां फ़ोन नहीं मंगाएंगे, जिससे कि जो बाकी के 11 से लेके 50 फ़ोन हैं वो डिमांड कहाँ से हो, वो भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स की डिमांड हो। इससे क्या होगा? इससे हमको उस समय की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसा नहीं था जो अपने दम पे चीज़ों को बना सकता था या बेच सकता था। तो सरकार क्या करती थी, ये सारे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की तरफ चलती थी। लेकिन इसका बड़ा दुख ये है कि बड़ा खराब खामियाजा भुगतना पड़ा कि इकॉनमी हमारी क्या हुई 90 में, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई इस इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। अब हमको क्या जरूरी था? हमको जरूरी था कि हम अपने मार्केट को ओपन करें। हम अपने मार्केट को ओपन करने के लिए हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। हमने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो क्या मिला हमको, जब हमने प्राइवेट प्लेयर्स को जब हमने मौका दिया, उनको और इंसेंटिव्स दिए, तो हमको क्या मिला, हमको मिला कि पहली बार भारत का जो GDP ग्रोथ था वो 92 से 97 के पीरियड में 8% ग्रोथ पर गया। बात समझ में आ रही है? तो भारत को या किसी भी देश को अगर अपने ग्रोथ को तेजी से करना है तो अपने प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स देने की भी ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि किस देश में हम हैं और वहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्या वैल्यू है, ठीक है ना। कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे, इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए। सोशल वेलफेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की क्यों ज़रूरत है। अगर कोरोना आ गया तो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज अगर देना है तो हम अंबानी जी के पास नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। हम अडानी जी के पास नहीं जाएंगे, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है क्योंकि हमने उन्हें वोट नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है? तो सोशल वेलफेयर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। और वो सरकार क्या करती है, अपने फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो हमारे पास लेकर के आती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अ टूल टू कंट्रोल इकोनॉमिक रिसेशन। अभी जो कंडीशंस हमारे यहाँ चल रही है, कुछ समय पहले तक वो रिसेशन थी, अब वो चेंज होकर स्टैगफ्लेशन में आ गई है। अब स्टैगफ्लेशन क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। अब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम किसकी तरफ फिर से देखेंगे, अकाउंटेबल कौन होगा, सरकार होगी। रिसेशन के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर के आगे आना पड़ेगा। अभी सरकार कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक पैकेज के साथ आई, एक पैकेज के साथ आई कि जो भी ये प्रॉब्लम्स थी उसके लिए हम कुछ आपको दे रहे हैं। फर्स्ट वेव में भी 20 लाख करोड़ के साथ आई थी, कितना किसको मिला वो दूसरी चीज़ है। लेकिन सरकार क्या करती है, अपने एक पॉलिसी के साथ आगे आती है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी एक बड़ा रोल निभाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियाँ हैं, ठीक है। डिफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, देखिए भारत में जो टैक्स की चोरी है वो बड़े बड़े जो भी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा की। अगर उतने टैक्स अगर मिलते जितने लोग यहाँ पर जिस हिसाब से इनकम कमाने वाले थे, तो सरकारों के पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता, जिससे कि वो हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम कर सकती थी। तो टैक्स डिफेक्टिव बहुत ज़्यादा थी, दूसरी बड़े जटिल थे, ठीक है ना। GST के आने के बाद ये हुआ कि टैक्स थोड़े आसान हुए, थोड़ा हमको आसानी मिलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं भारत का एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हूँ, और मुझे जा करके क्या करना है, मुझे जाकर किसी और देश में
इन्वेस्टमेंट करना है, हमको जाकर वहाँ बिजनेस करना है, मैं सबसे पहले क्या पता करूँगा कि वहाँ की टैक्स पॉलिसी वॉलिसी किस हिसाब की है, इन्वायरमेंट किस हिसाब का है। अगर पॉलिसी टैक्स पॉलिसी बड़ी जटिल होगी तो मैं वहाँ नहीं किसी और देश जाना पसंद करूँगा जहाँ पर टैक्स बड़ी आसानी से हम लोग टैक्स का हिसाब किताब मेंटेन कर लें। बात समझ में आ रही है? तो जीएसटी के बाद काफ़ी इसमें सुधार आया, काफ़ी इसमें चीज़ें सही हुई। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, सबसे बड़ा लिमिटेशन मुझे लगता है, ठीक है ना। सरकार क्या करती है, डिफेंस पर खर्च करती है, वो भी नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आज की वो डिमांड है। अगर हम डिफेंस पर खर्च नहीं करेंगे तो चाइना देखिए कितने खुशी से बैठा हुआ है, पाकिस्तान को देखिए, उसकी तो खुशी मतलब बचपन से, जब से पैदा हुआ है तब से वही है, ठीक है ना। तो उसकी बात को छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी विश्व जो है इस समय क्या कर रहा है, अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है, तो हम उसमें पीछे नहीं हट सकते। लेकिन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में हम सरकारी लोगों की, सरकारों की रैलियों को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। जो सरकारें रैलियाँ करती हैं वो रैलियों का पैसा कौन होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर के जो सैलरी है उसमें से कटता है, क्या चीफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स के सैलरी में से कटता है? नहीं, वो हमारा और आपका पैसा होता है। ठीक है, मैं इनकम टैक्स नहीं देता हूँ, लेकिन मैं भी इनडायरेक्ट टैक्स देता हूँ। जब मैं बाहर से खरीद के कुरकुरे खाता हूँ तो उसमें मैं कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स ज़रूर देता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो हम सब जो हैं वो कुछ ना कुछ जो टैक्स देते हैं उससे ये सरकारें क्या करती हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ करती हैं। कुरकुरे का मेरा 50 पैसा भी अगर टैक्स के रूप में गया है तो उससे एक कुर्सी लगी होगी उनके यहाँ। बात समझ में आ रही है? तो रैलियों में हम क्या करते हैं, रैलियों में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये खर्च अगर हम कंट्रोल करें तो फिस्कल पॉलिसी में हम जिस तरीके से लोगों का और वेलफेयर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या देखने को मिलता है लिमिटेशंस में, इसकी कमियों में, कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए। थर्ड, फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का फेल्योर। पब्लिक सेक्टर के फेल्योर में अगर हम बात करें तो आप बैंक ही देख लीजिए, आप किसी भी बैंक जाइए, मैं पीड़ित हूँ कुछ समय से इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम बैंक ही अगर चले जाएँ तो अगर हम बैंक जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये काम है, ये काम करवाना है, तो बैंक वाला कहता कल आइएगा, ठीक, कल आइएगा, पता चला कल पहुँच गए, कहेगा ये कागज़ नहीं है आपके पास, हम कहे ठीक है भाई, कागज़ भी लेके आते हैं, कागज़ लेके पहुँचे, कह रहे हैं एक काम कीजिए, आज सैटरडे है और ये हई वाला सैटरडे है, हऊ वाला सैटरडे है, तो आप 3 दिन बाद आइएगा, ठीक है ना। वो हमको क्या करता है, एक दिन देता जाता है, टालता जाता है। तो जब हमको बेहतर सर्विस नहीं मिलेगी तो फिर किस बात का पब्लिक सेक्टर। बात समझ में आ रही? तो ये लोगों के अंदर एक विचार भी आएगा जो आजकल हम देख रहे हैं, जब चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं तो लोग इस पक्ष में हैं कि प्राइवेटाइज होनी चाहिए। क्यों पक्ष में है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो ये जो काम है, जिस तरीके से वो चीज़ों को टालते हैं और प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर बेहतर परफॉर्म नहीं करता है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है। बात समझ में आ रही है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पब्लिक सेक्टर की चीज़ों को बेहतर कर सकता है। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसी गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल, और किसी भी, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, और किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं है इस गोरखपुर में जो वहाँ जाकर 1 घंटा ना बैठे। वो भी सरकारी आदमी है, उनका हॉस्पिटल है, काम प्रॉपरली हो रहा है। लेकिन वही जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो वही सरकार में बैठे हैं लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करा पाते। बात समझ रहे हैं? इंटेंशन की बात है, ठीक है ना। तो फेल्योर ऑफ पब्लिक सेक्टर। फोर्थ, फेल्योर ऑफ इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने शुरू से कहा कि भैया पॉवर्टी इरेडिकेट कर देना है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर देना है। आज भी देखिए, रोज रात 20 करोड़ लोग, हर रात लगभग 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस देश में। और जब हम रैलियां करते हैं तो हम कहते हैं पिछली सरकारें चाहे अभी की सरकारें कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने मतलब इस देश की इकोनॉमी को इतना लार्जेस्ट बना दिया कि अब और किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। बात समझ में आ रही है? 20 करोड़ लोग इस देश में, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट इस समय देख ही रहे हैं किस तरीके से विकराल रूप लिया हुआ है, हमारे जैसे लोग, ठीक है, विकराल रूप में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने जो सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में पढ़ी, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, चाहे उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे उसके क्या एडवांटेजेस हैं, चाहे उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, चाहे उसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने पढ़ ली तो अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अगर इस पे एमसीक्यू फॉर्म होते हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए,
पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, टैक्सेस, रेपो रेट, CRR या SLR। हमने किसके बारे में बात की? टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में बात की फिस्कल पॉलिसी में, ना कि हमने रेपो रेट, SLR और CRR के बारे में बात की। ये सब किस में आएंगे? ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट कवर्ड अंडर फिस्कल पॉलिसी, इज नॉट कवर्ड अंडर फिस्कल पॉलिसी। कौन सी टेक्निक है? पब्लिक डेप्ट एक्सपेंड पॉलिसी, हमने पढ़ा अभी कि ये तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। टैक्सेशन पॉलिसी, हम लोगों ने पढ़ा कि ये तो पार्ट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि ये भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं। बात समझ में आ रही है? अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो किस पे है? वो है, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, जो भी डेटा हमारे पास आता है, जो भी सारे रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं कि इतना परसेंट लोग बेरोजगार हो गए, या इतने परसेंट लोग, इतना परसेंट देश ग्रोथ कर गया, या फिर ये सारी चीज़ें जो होती है अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जो आता है, ये कौन पब्लिश करता है? क्या इसको पब्लिश RBI करता है, या नीति आयोग करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री करता है? इसको पब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, याद रख लीजिए इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है वो किस चीज पर करती है? अपना जो रेवेन्यू अकाउंट है उसका, वो किस चीज पर ज्यादा खर्च करती है? क्या वो डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करती है, सब्सिडी पे करती है, पेंशन बांटने में करती है, या इंटरेस्ट पेमेंट्स में करती है? वो सबसे ज्यादा खर्च इंटरेस्ट पेमेंट में करती है। इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह का? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए बर्थडे आ रहा है मेरा, ठीक, पैसे है नहीं, पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? दोस्त को बोलेंगे, दोस्त 100 रुपये दो, ठीक है, तुमको दे देंगे 2 दिन बाद। अब जब उससे मैंने पैसे लिए 100 रुपये, पार्टी दिया उसमें वो भी था, वही पैसा दिया था वो भी था उसमें, ठीक है ना, पार्टी हमने किया। अब 2 दिन के बाद हमको और पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मैंने कहा कि इस बार हमको 50 रुपये और चाहिए, तो दोस्त कहेगा कि अच्छा पिछली बार 100 लिए थे, कुछ लौटाओ पहले उसका। तो उसी तरीके से सरकार क्या होती है, सरकार भी जब बाहर जाती है किसी से कर्ज लेने, किसी भी IMF या वर्ल्ड बैंक के पास, तो वो पहले तो कर्ज लेगी, और कर्ज लेने के बाद दोबारा कर्ज लेने जाएगी। तो जब दोबारा जाएगी तो सरकार से कहेगी IMF या वर्ल्ड बैंक कि जो पिछले वाला लिए थे उसका कुछ वापस करो, कुछ वापस दो। तो वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में वो उसको वापस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है हमारा, वो किस चीज़ पर होता है? इंटरेस्ट पेमेंट पर होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो, इक्वालिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉड थ्रू। देश में इक्वालिटी किस तरीके से हम बेहतर तरीके से ला सकते हैं? क्या हम प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, या रिग्रेसिव टैक्स के थ्रू कर सकते हैं, या दोनों के थ्रू कर सकते हैं, या नन ऑफ दिस? तो पहली बात तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो बोथ ए एंड बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक, अब समझते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब मैंने बताया, इनकम अगर इंक्रीज करती है तो आपका टैक्स भी इंक्रीज करे। रिग्रेसिव का मतलब होता है, इनकम अगर आपकी घट रही है तो आपका टैक्स ज़्यादा आपसे लिया जाए। तो किसी भी देश में अगर इक्वालिटी हमको लानी है, एक इक्विटी लानी है, तो हम क्या करें, हम जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा कर्ज, ज़्यादा टैक्स लें, और गरीब लोगों पर ज़्यादा खर्च करें। तो ये किस में हो रहा है, ज़्यादा इनकम वालों से ज़्यादा टैक्स हम कहाँ ले रहे हैं, प्रोग्रेसिव में ले रहे हैं। इसीलिए इक्वालिटी के लिए किसी भी कंट्री में कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोग्रेसिव। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट सूटेड विथ फिस्कल पॉलिसी, इसमें से कौन सा बेहतर या बेस्ट पेयर है जो फिस्कल पॉलिसी के लिए आता है? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, OMO मतलब हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, टैक्सेस एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट,
मैक्सिमम चीज़ें ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो टैक्सेशन पॉलिसी पढ़ा, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी पढ़ा। तो सबसे बेस्ट इसमें कौन सा है पेयर, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु यूजेस फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, क्या फर्म्स यूज़ करती हैं, पब्लिक यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट यूज़ करती है, आरबीआई। तो मैंने बात की शुरुआत ही इसी से की कि फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सरकार के द्वारा लाई जाती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट, नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन बजट, नॉट, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कौन सा इसमें से यूनियन बजट के रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जब हम बजट लेकर के आते हैं तो सरकार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कहेंगे कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करने जा रहे हैं, इसमें इतना खर्च करने जा रहे हैं, इसमें इतना करने जा रहे हैं, लेकिन वो जो खर्च करने जा रहे हैं उसके लिए पैसा तो चाहिए, रिसिप्ट तो चाहिए। तो सरकार क्या करती है, उसको दो तरीके से कलेक्ट करती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में उसको कलेक्ट करती है और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट के रूप में रिसीव करती है। रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टैक्स फॉर्म आता है और नॉन टैक्स फॉर्म आता है। टैक्स फॉर्म में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखते हैं कॉरपोरेट टैक्स किसका पार्ट है, रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो यानी डायरेक्ट टैक्स में आ गई ये बात। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ये भी किसका पार्ट है, ये भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट कब करती है सरकार, कब डिसइन्वेस्टमेंट से वो चाहती है कि पैसा उसके पास आए, जब उसको लगेगा कि मैंने 30.42 लाख करोड़ का इस बार बजट का एक्सपेंडिचर उन्होंने एलोकेट किया, जब उन्हें लग रहा है कि मैं रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप से जो मेरे पास रिसीव आया वो लगभग 25-30 करोड़ का, 25 तक का आ रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ना अपने बजट को जो एक्सपेंडिचर बोल चुकी है उसको पूरा करने के लिए, तो वो क्या करेगी, अपने कुछ शेयर्स को सेल ऑफ करना शुरू करेगी। और जैसे ही वो अपने पब्लिक सेक्टर के प्रॉपर्टी को, के कुछ शेयर्स को सेल ऑफ करना शुरू करेगी, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, ये डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। बात समझ में आ रही है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट का। तो नॉट पूछा था रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड थ्रू, जो ये प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गया, अभी मैंने बात किया है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या, इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या, कि डिमांड कम हो गई है, यानी क्या, डिफ्लेशन। ये दोनों प्रॉब्लम किस पॉलिसी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें सरकार का भी रोल है और मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई का भी रोल है, तो यहां पर फिस्कल और मॉनेटरी दोनों, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ, अभी मैंने बात की है डिसइन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, या वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो एक बीस में नहीं होगा, वो किसका पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के कुछ फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड चीज़ें थी, और इसमें जितने भी चीज़ें हो सकती थी, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ ही उसके साथ 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया। आप देखिए, अगर वीडियो में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, थैंक यू।